Yo, what's up guys? Hi, my name is Sahil and you guys are watching Professional Magnet. और आज हम लोग एक स्पेशल गाना सुनने वाले हैं जो कि एक स्पेशल पर्सन को डेडिकेटेड है, दैट इज टू ऑल द फादर्स. फादर्स डे स्पेशल सॉन्ग है ये एंड गाने का जो टाइटल है यहाँ पे दैट इज आपके जैसा. इट्स अ रैप सॉन्ग, सो यू नो आई ओनली रिएक्ट टू रैप सॉन्ग्स, बट एनीवे इट्स अ रैप सॉन्ग बाय वन एंड ओनली KPL. KPL के मैंने पहले भी काफ़ी सारे गाने सुने हैं. ही इज़ अ नाइस गाय, ही मेक अ गुड म्यूजिक. सो आज हम सुनेंगे, वीडियो के साथ है ये गाना ऑफकोर्स, तो लेट्स फाइंड आउट. टाइटल है आपके जैसा और आपके जैसा टाइटल से मेरे को ऑलरेडी वाइब्स आ रही हैं कि भाई विल बी टॉकिंग अबाउट कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट. But we'll find out. तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, let me get it in a big screen. All the magnets, let's turn on the magnetic field and catch some Father's Day bars. Boom. आज से पहले मैंने ये सब कभी नहीं कहा और शायद कभी कह भी ना पाऊं, पर एक छोटी सी कोशिश ट्राई तो करना पड़ेगा. शायद इस बार बयान कर जाऊं आपके लिए ये पापा, दिस इज फॉर यू. आज मैं जो कुछ भी हूँ सबरी वजह पापा थे, बहुत प्यारा और बहुत ही अलग है. बहुत प्यार आपसे लेकिन मगर मैं मन की अपने करता मन मस्त मलंग है. दिखाता हूँ ऐसा कि खुद मैं मगन हूँ, सच में घबराता उस पल से कभी आपकी नजर ना हो मुझ पे तो कैसे चलेगी मेरी कश्ती, कौन बताएगा गलती, आपके बिना कुछ नहीं मेरी हस्ती. डगमगाया जग से आपका साया मिला, आपने अपनाया मुझे हक से जब सिर्फ ताना मैं था. Wait, that's his real mom and dad. I think so. Damn, that's so nice. This is such a nice moment. I can tell like the way people are smiling and this guy who is holding the light and he's looking at them. Oh man, they must be his real mom and dad and looking very beautiful. मैं बाप बनना चाहता हूँ आपके जैसा, साथ पूरे ख्वाब करना चाहता हूँ, हिसाब से चलाता सबके साथ रहना चाहता मैं हमेशा, एवरीबॉडी. मैं बाप बनना चाहता हूँ आपके जैसा, साथ पूरे ख्वाब करना चाहता हूँ, हिसाब से चलाता सबके साथ रहना चाहता मैं हमेशा. आई लव द इस गाने की एक सी, मैंने ये काउंटलेस टाइम्स बोला है कि ऐसे गानों को तुम जज नहीं कर सकते जो स्पेशली इन टॉपिक्स पे होते हैं, पेरेंट्स के टॉपिक्स पे होते हैं, इनको तुम जज नहीं कर सकते. इट्स जस्ट लिरिक्स आर वेरी ब्यूटीफुल. और सबसे ब्यूटीफुल जो मेरे को बात लगी इस गाने में अभी तक सो फार, दैट इज़ भाई ने अपनी रियल फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो. आई कैन टेल ब्रो, आई डोंट नो व्हाई बट आई कैन टेल, नोबडी इज़ एक्टर इन दिस वीडियो. आई कैन टेल दैट फॉर श्योर कि सारे फैमिली मेम्बर्स को बुला के वहाँ पे वीडियो शूट करी गई है. एक जगह है, एक कहीं पे भी एक जगह होगी जहाँ पे स्पीकर्स एंड ऑल. मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे शादी वाली वाइब आ रही है कि जैसे कोई किसी शादी पे ये वीडियो को शूट किया हो, बट यू नेवर नो. तो क्या मैं कह रहा था, हाँ फैमिली को बुला के शूट की गई है ये वीडियो और इट गिव्स सच एन इमोशनल वाइब टू इट. तो बहुत प्यारी एक सीरियस इमोशनल वाइब है इस गाने में. लुक एट द पीपल, आई एम डैम श्योर कि ये सभी भाई के रिलेटिव्स हैं, फॉर श्योर. बट या ब्यूटीफुल. ख्वाब करना चाहता हूँ, हिसाब से चलाता सबके साथ रहना चाहता मैं हमेशा. व्योम्स फर्स्ट बर्थडे, आ जाओ सारे बच्चे पार्टी आज करते, दादू गिफ्ट्स लाए भर के, आप मिसाल बनते संस्कारों के घर पे, आपकी माँ को गर्व है बेटा हीरा वर्ग है. सिंपलिसिटी को इनकी मैच नहीं कर पाते हैं, कंफर्टेबल होके खाना फर्श पे बैठ के खाते हैं, गंगे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे नहाते हैं, फिर शिव जी से हेल्दी लाइफ की आरती लगाते हैं. आपकी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ सो ब्यूटीफुल, कमजोर निकायर था जो देने लगा आपका दोष, पवित्र बनाया आपने मुझे कमल फूल, दुनिया के दायरे ने खींचा करने लगा आपसे क्रोध.
face tha but it was the worst one. Thank you got nikala usse. There you go, that up and down relationship between father and son. Yeah, it happens every time. और सबके साथ ये चीज़ होती है. He said कि एक फेस था, वो दुनिया का फेस था, लोगों ने मेरे को दूर खींचा एंड आई वेंट विद द फ्लो. खींचा करने लगा आपसे क्रोध, वो फेस था बट इट वॉज द वर्स्ट वन. थैंक यू गॉड निकाला उससे, इट वॉज लाइक कर्स रन. सीखना आप जितना परिश्रम, बिना लिए विश्राम. आप वासुदेव तो मैं भी नटखट कृष्णम. डगमगाया जग से आपका साया मिला, आपने अपनाया मुझे हक से. जब सिर्फ मैं बाप बनना चाहता आपके जैसा, साथ पूरे ख्वाब करना चाहता हूँ, हिसाब से चलाता, सबके साथ रहना चाहता मैं हमेशा. एवरीबॉडी, मैं बाप बनना चाहता आपके जैसा, साथ पूरे ख्वाब करना चाहता हूँ, हिसाब से चलाता, सबके साथ रहना चाहता मैं हमेशा. ओके, सो सी, मैंने पहले ही बता दिया था कि दैट्स इज रियल फैमिली. सो ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इस गाने, एज यू सेड, बहुत ब्यूटीफुल बात है जो इस गाने की, वो ये है कि इस गाने में भाई ने अपनी रियल फैमिली को इन्वॉल्व किया है. और ऐसे गाने बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट पे होते हैं एंड आई फेल्ट कि ये ऐसी चीज़ें करने से बंदा और ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है एंड यू कैन टेल. और टॉपिक बहुत प्यारा है, फादर्स डे स्पेशल. ऑफकोर्स हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर. एंड वॉट एल्स, एक चीज़ है जो मैं भाई को, मैं ये ज़्यादा बार इसलिए पॉइंट आउट करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू इम्प्रूव दैट एंड आई वॉन्ट हिम वेरी बैडली टू इम्प्रूव दैट. कि भाई थोड़ा सा, यू नीड अ गुड मिक्सिंग इंजीनियर यार. आई डोंट नो बट आई जस्ट सेड इट राइट. नो ऑफेंस टू द पीपल हु डिड द मिक्सिंग मास्टरिंग, बट आई कैन सी इस बंदे की वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, अच्छे क्वालिटी पे प्रोडक्शन होती है. तो अगर प्रोडक्शन में इतना अच्छा पैसा जा रहा है वीडियो प्रोडक्शन में, व्हाई नॉट म्यूजिक प्रोडक्शन राइट? दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक. केपीएल ब्रो, आई एम टॉकिंग टू यू राइट, सीरियसली. तो आई वॉन्ट कि थोड़ा बाहर निकल के एक अलग लोगों से भी ट्राई कराओ मिक्सिंग मास्टरिंग अपने गानों की, नए लोगों को. एंड इट्स नॉट बैड कि अगर तुम एक न्यू बंदे से जाके मिक्सिंग मास्टरिंग करा दें. आई नो जो शायद अब कर रहे हैं वो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बट समटाइम्स यू हैव टू, फॉर योर सेल्फ यू हैव टू ट्राई अदर पीपल आउट एज वेल. सो ट्राई करो किसी और बंदे से मिक्सिंग कराने का, तो ये गाना और ज़्यादा बेटर बन सकता है. एंड या दैट्स द ओनली थिंग दैट आई हैव विद दिस सॉन्ग, क्योंकि मैं ये हर गाने में नोटिस करता हूँ, तो इसलिए आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव दैट. बट एनी वे, द सॉन्ग इज़ वेरी नाइस, ब्यूटिफुल टॉपिक, आई फेल्ट वेरी हैप्पी. और या नाइस सॉन्ग. सो इफ यू गाइज, हू एवर वॉचिंग, इफ यू गाइज लव द वीडियो, एंजॉयड इट, प्लीज गो सपोर्ट हिम. इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक एंड या थैंक यू सो मच. द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, जाके गाने को जरूर चेकआउट करना एंड टेक केयर. बाय बाय, पीस.